हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आपका स्वागत है एनआईएस विजन पॉइंट पे और मैं हूँ आपके साथ आपके केमिस्ट्री मेंटर कीर्ति मैम। तो चलिए आज के इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और क्या आज है खास और क्या आज हम सीखेंगे, तो हम बात कर रहे हैं मॉड्यूल 2 का चैप्टर नंबर 2 और जिसमें हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये है लेक्चर नंबर 4। तो इससे पहले 3 लेक्चर आ चुके हैं, आप उसको ज़रूर अच्छे से देखिएगा और बातों को समझिएगा, ठीक है। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, आज हमारा करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या खास रहेगा, क्या हम बात करेंगे, तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो अभी हम जब बात कर रहे थे तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या जाना, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने मैक्सवेल का जो वेव थ्योरी का कॉन्सेप्ट था यानी ईएम रेडिएशन यानी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन का जो कॉन्सेप्ट था जो मैक्सवेल ने बताया था उसके बेसिक जो चीज़ें हैं उनको हमने जाना था, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या होता है यानी ईएम वेव्स किसे कहेंगे या वेव क्या है उसको हमने समझा था। और हमने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसका प्रोपोगेशन जो होगा यानी वो ऐसी वेव होगी जो दोनों फील्ड में प्रोपोगेट करेगी, यानी हम बोले मैग्नेटिक फील्ड में भी और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या करेगी, प्रोपोगेशन रहेगा। और किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो क्राइटेरिया होगा यानी उसके कैरेक्टर होंगे तो उनको हमने कवर किया था। तो हमने क्या क्या जाना था, हमने बेसिकली 5 कैरेक्टर देखे थे कि कोई भी अगर ईएम वेव्स है तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, ये इनकी ये सारी चीज़ों आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो हम लोग इस चीज़ को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग इस चीज़ों को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बोर के थ्योरी को, बोर के एटॉमिक मॉडल को जानने से पहले, क्योंकि ये थ्योरी भी आपस में क्या है, कोरिलेटेड है और इनका भी समझना और जानना उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हमने बात की थी किसकी, हमने बात की थी यहाँ पर कि वेवलेंथ क्या होता है यानी लैम्डा क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है आपका, ठीक है, किसी भी अगर वेव है तो उसका लैम्डा क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, उसका वेव नंबर क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी के बाद अगर हम बात करें तो उसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी के बारे में। तो इतनी सारी इम्पॉर्टेंट बात जो है आप किसी भी ईएम वेव के बारे में जान सकते हो जब आपको पता है, या फिर उसके बारे में आप बात कर सकते हो कि अगर कोई वेव है तो उसका पर्टिकुलरली कुछ लैम्डा होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो ये सारी जो बात है ये चल रही है किस कॉन्टेक्स्ट में, ये चल रही है आपके ड्यूअल नेचर के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है, हम दो नेचर पर बात करेंगे, एक तो हो गया आपका पार्टिकल नेचर और दूसरा हो गया वेव। तो वेव को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं और फिर हम देखेंगे कि वेव के बाद भी कहा गया कि जो आपके लाइट है, वेव्स हैं उनकी क्या है, उसके साथ आपका क्या है ड्यूअल नेचर एसोसिएटेड यानी वो पार्टिकल नेचर भी यहाँ पे शो करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को अगर आप कुछ देखते हो तो कुछ इस तरह का ये रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अभी हमने पिछले टर्न में ये देखा था कि कैसे आपका जो न्यू है यानी फ्रिक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रपोर्शनल होता है लैमडा का, ठीक है, इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो सीरीज लगी है, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, बैंड, ठीक है, बैंड ऑफ एनर्जी जो होगी, बैंड ऑफ लैम्डा जो होगी जिसको हम स्क्रीन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसी को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे अलग अलग आपकी रेस को क्या किया गया है, अरेंज किया गया है बेस अपॉन देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ। अब देखो अगर यहाँ पे वेवलेंथ क्या हो रही है, इस तरफ जैसे आप मूव कर रहे हो यानी राइट हैंड साइड मूव कर रहे हो आपकी वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए जो वेव आपको दिख रही है, ये जो वेव्स आपको दिख रही है बच्चे, ये इनकी देखिए इनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, गिवन सेकेंड में कितने वेव्स आपके क्या हो सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, उसके बारे में आपको पता चल रहा है कि अगर आपका वेवलेंथ इतना बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। साथ ही साथ एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, यहाँ पे
इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये सब हम बाद में भी और डिस्कस करेंगे। एनर्जी जो है इंक्रीज किस साइड हो रही है ये भी देखिए। तो एनर्जी जो होता है वो आपको अभी हम रिलेशन बताएंगे कि वो क्या होता है, एच न्यू से अगर आप कंपेयर करते हो तो जिधर आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी उधर ही आपका क्या है एनर्जी भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी बढ़ेगा यानी फ्रिक्वेंसी भी आपका क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हम आएंगे कि ये रिलेशन है क्या, इसको भी जानेंगे। तो अगर आप देख रहे हो कि फ्रिक्वेंसी इधर कम हो रही है यानी ऑब्वियसली बात है इधर जाओगे तो बढ़ेगी, तो आपकी एनर्जी जो है वो भी क्या हो रही है यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो सबसे पहले तो आपका क्या है गामा रेस, एक्स रेस, फिर यूवी रेस, इंफ्रा और रेडियो वेव्स, ठीक है। तो ये आपके मेन वेव्स है और ये अल्ट्रा और इंफ्रा के बीच की जो रेज हैं यही रेज हैं जो आप देख सकते हो अपने आँखों से देख सकते हो, उन्हीं को हमने क्या नाम दिया है, उन्हीं को हमने नाम दिया है विजिबल लाइट या विजिबल रेंज के नाम से हम इसे जानते हैं। जो आपका अलग अलग जो रेनबो के आपने कलर देखे होंगे उस तरह से आपको यहाँ पे नज़र आता है क्योंकि हम उन्हीं लाइट को देख सकते हैं जो हमारे पर्टिकुलरली इस रेंज तक, यानी ये रेंज आपका फिक्स है जो लगभग आपका 400 से 800 नैनोमीटर तक रहता है। तो यहाँ की ही जो रेज हैं उनको आप देख पाते हो, विजुअलाइज कर पाते हो और देख पाते हो। तो यहाँ से क्या याद रख सकते हो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे देखो यहाँ पे क्या है अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट वी आया, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वायलेट आपका पहले आएगा, तो यहाँ पे क्या है लास्ट में आपका क्या है वायलेट, ठीक है। यूवी रेस और फिर इंफ्रा रेड, इंफ्रा किससे स्टार्ट हो रहा है, इंफ्रा रेड में क्या आ रहा है लास्ट में रेड, तो लास्ट जो रेस आपकी बच जाती है वो क्या हो जाती है रेड, ठीक है। तो इसी से आपका यहाँ पे विजुअल लाइट में आपका क्या आता है विबगायोर, ठीक है। इतने कलर, 7 कलर जो होते हैं इनको आपको ध्यान रखना है, वो क्या है विबगायोर। तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे वी का मतलब क्या होता है, वायलेट हो गया, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये आपके कलर्स हैं जो आपको विजुअल होते हैं यानी आप इन्हें देख सकते हो, ठीक है। तो क्या मेन मेन बात आपको ध्यान देना है कि अगर आप वायलेट से यहाँ पे रेड की तरफ मूव कर रहे हो तो जो आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो रही है कम हो रही है, और अगर हम बात करें लैम्डा की तो लैम्डा क्या हो रही है यहाँ पे बढ़ रहा है, और एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पे इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और धीरे धीरे एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पे रेड तक आने तक क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब हमने क्या है बेसिक डिटेल्स हमने जानने हैं, पर अब हम जानते हैं जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, ठीक है। तो इसको समझते हैं कि क्या है दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। जो भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो क्या करेंगे, वो डिफर करेंगे ओनली विद देयर वेवलेंथ। तो सही बात है, अभी अभी हमने जो चार्ट देखा उसमें हमने क्या जाना, हमने यही जाना कि अलग अलग वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में ही आपका क्या है अलग अलग रेज आपकी बटी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हेंस उनकी अलग फ्रिक्वेंसी होगी, अगर ऑब्वियसली बात है लैम्डा अलग होगा तो फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी अलग होगी, और दोनों का रिलेशन जो होगा वो क्या होगा अपोजिट होगा, ठीक है। व्हेन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ, दोनों तरीके से अरेंज किया जा सकता है, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे वेवलेंथ के, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो इसको इस तरह का जो स्पेक्ट्रम हमें बैंड मिलता है इसी को हमने क्या कहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नाम से जाना है, ठीक है। क्या जाना है, इन्हीं को हमने क्या कहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जो अभी आपको मैंने ये फिगर दिखाया ये क्या है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो आपको जो ध्यान देना है वो बात यहाँ पे हमने समझी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको बताता है वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो स्पेक्ट्रा है, ठीक है, वो क्या हो सकता है मे बी एमिशन, एमिशन के थ्रू हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है एब्जॉर्प्शन हो सकता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड या एमिटेड, ठीक है। तो वो स्पेक्ट्रा जो एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से आ रहा है तो उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहेंगे, और वो जो क्या हो रहा है रेडिएशन यानी रेडिएट करने के बाद एमिट करने के बाद हो रहा है तो उसी को हम क्या कहेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा के नाम से जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये भी समझ लेते हैं कि जो एमिशन स्पेक्ट्रम है ये ऑब्टेन किया जाता है एमिशन से,
ठीक है, सही बात है। दूसरा क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, ये ऑब्टेन किया जाता है जब सब्सटेंस क्या करता है किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हो क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर लाइट की वेवलेंथ यहाँ पे मुझे पड़ रही होगी और फिर आप उस चीज़ को वहाँ पे मुझे देख पा रहे हो या स्क्रीन आपको दिख रही है क्योंकि पर्टिकुलर लाइट वेवलेंथ यहाँ पे टकरा रही है और फिर बाद में आपके पास वो आ रही है। ठीक है, तो इतनी बात आपको स्पेक्ट्रा के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ईएम स्पेक्ट्रा जो था ये वेव नेचर को सिग्निफाई कर रहा था और उसी की प्रॉपर्टीज बता रहा था। तो बहुत सारी बातें हमें यहाँ पे पता चली। नेक्स्ट जो बात है कि जो ये सक्सेसफुल तो था बट क्या था, क्या इसकी खूबी थी। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि अगर वेव नेचर को डिफाइन करने के लिए आपके पास कौन सी थ्योरी थी या क्या चीज़ थी जिसने वेव नेचर को अच्छे से डिफाइन किया था, तो वो चीज़ आपको ध्यान देना है कि क्या है। जैसे कि आपका इंटरफेरेंस फिनोमेना होता है, डिफ्रैक्शन होता है, तो ये जो नेचर है यानी इंटरफेरेंस की बात करें या डिफ्रैक्शन की बात करते हैं, तो ये जो है ये वेव नेचर पे बेस्ड फिनोमिना थे। तो ये सारी जो फिनोमिना थी ये तो वेव नेचर जो था यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था वो बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन कर पा रहा था, पर ये क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि जिसकी वजह से हमें इसे भी ड्रॉप डाउन करना पड़ा। और वो था क्या कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में वो कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा था क्योंकि ये दोनों ही चीज़ आपकी बेस्ड अपॉन थी पार्टिकल नेचर पे। ठीक है, किस पे नेचर पे बेस्ड थी, पार्टिकल नेचर पे। तो अभी तक जो भी हम लोग ईएम वेव्स के बारे में जान रहे थे वो पर्टिकुलरली किसके रिलेशन में हम बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे वेव थ्योरी यानी वेव नेचर के बारे में आप बात कर रहे थे। ठीक है, तो इसी वजह से आपने क्या है इसको, आपने क्या कहा है इसमें, आपको ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, वो यहाँ पे डील नहीं की गई। ठीक है, तो क्या जाना आपने कि यहाँ पे हम बिफोर हम बोर मॉडल पे जाएं हमें ड्यूअल नेचर ऑफ दी लाइट को समझना था, तो इसलिए हमने देखा वेव नेचर क्या होता है, वेव नेचर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने जाना। हमने आपको बताया कि केमिस्ट्री में आपको उतने ही पोर्शन को ही लेके चलना है जो आपकी केमिस्ट्री से ओरिएंटेड है, बाकी आप फिजिक्स में भी इसको डिटेल में कि इन्फ्रेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, इसको आप पढ़ते हो। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं कि पार्टिकल नेचर वाला फिनोमिना यानी कि वो फिनोमिना जो वेव नेचर जा था वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो क्या था इसमें कि दिस फिनोमिना कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड ओनली इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर सपोज टू हैव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर सपोज टू हैव अ पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो अगर इस फिनोमिना को अगर आपको समझना है, क्योंकि वेव नेचर तो इसको नहीं समझा पाया, तो नेक्स्ट जो आपके पास चीज़ थी जिसके थ्रू आप इसको एक्सप्लेन कर सकते थे वो था बेस्ड अपॉन किस पे, बेस्ड अपॉन पार्टिकल नेचर के ऊपर बेस था। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता ही क्या है, पहले तो आप नाम से इसको अपने समझिए क्या होता है। ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा बॉडी जो क्या है हर तरह की लाइट को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। साथ ही साथ ये कि जब आप उसे हीट करते हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा यानी रेडिएशन करेगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी वर्ड रेडिएशन या ऐसी आती है तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर कोई ना कोई लैम्डा से क्या है वेव यहाँ पे निकलेगी। ठीक है, तो इससे आपने क्या समझा कि इफ़ अ सब्सटेंस बीइंग हीटेड, किसी भी सब्सटेंस को अगर आप हीट करते हो और वो क्या है आपका ब्लैक बॉडी है, द रेडिएशन एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी का मतलब आपने समझा कि ऐसी बॉडी जो क्या है पूरे एनर्जी को क्या कर सकती है, हर तरह की वेवलेंथ को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। तो जब आप उसको हीट करते हो तो उसमें से क्या होगा, रेडिएशन निकलता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। द ब्लैक बॉडी इज नॉट ओनली अ गुड एब्जॉर्बर, वो बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बर नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा क्या है, बट ऑल्सो अ परफेक्ट एमिटर ऑफ रेडिएंट एनर्जी, वो हर तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब तो कर सकता है पर जब आप उसे हीट भी करते हो तो वो अलग तरह की आपके क्या है, अलग अलग लैम्डा की क्या कर सकती है, आपके रेडिएशन को निकालता है। ठीक है, द नेचर ऑफ द रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड करता है। और इसका जो कुछ ग्राफ है वो कुछ आपको ऐसा दिखेगा कि जितनी ज़्यादा हॉटर बॉडी होगी यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपको क्या है
वेवलेंथ क्या होगा उतना कम का आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो आयरन का लोहे का काम होता है, ठीक है, तो एक कंपैरिजन नहीं, आपको कोरिलेट करके मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपने देखा होगा कि आयरन की अगर चीज़ों को आपने वेल्डर वगैरह के पास देखा होगा तो वो जब हीट करते हैं तो आयरन आपको एक समय पर क्या है, आपको लाल कलर का दिखता है, रेड हॉट हो जाता है। वैसे उसका कलर क्या होता है, वैसे उसका कलर जो होता है वो सिल्वरी कलर है। ठीक है, आयरन आपने देखा होगा, पर जब आप उसको हीट करते हो तो वो कैसा हो जाता है, वो हो जाता है लाल। तो वो क्या है, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ का एनर्जी, या क्या कह रहे हो आप, वेवलेंथ क्या है, वो रिलीज कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, इसलिए लाल दिखता है। और ज़्यादा हीट करते हो तो वो क्या हो जाता है, ब्लूश में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो समझना था वो आपने समझा, जो पार्टिकल नेचर के बेसिस पे बात कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट इसी समय पे एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, प्लैंक। तो उन्होंने क्या है, अपनी थ्योरी दी। उन्होंने क्या कहा कि वेव थ्योरी में तो ये बात कही गई है, मैक्सवेल ने जब बात कहा तो उन्होंने ये कहा कि कंटिन्यूस एनर्जी, ठीक है, उन्होंने आपको जब मैंने भी ये बताया था तो उन्होंने क्या कहा कि कंटिन्यूस एनर्जी निकल रही है। ठीक है, पर इनका कॉन्सेप्ट क्या गया था, इन्होंने क्या है पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करने के लिए क्या बोला, इन्होंने कहा कि जो इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, जो रेडिएशन आपकी निकलती है वो क्या है, वो पैकेट्स के फॉर्म में, पैकेट फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी वो डिसकंटिन्यूस आप समझ सकते हो उसको। ठीक है, कि वो पैकेट्स के फॉर्म में है, एनर्जी क्या होंगी, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। तो यहाँ पे क्या है, ब्लैक रेडिएशन फ्रॉम द ब्लैक बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो प्लैंक का जो ये कॉन्सेप्ट था, जो बेस था कि जो आपकी एनर्जी है वो कंटिन्यूस ना होके क्या है, एक आपकी क्या है एनर्जी जो है वो फिक्स्ड पैकेट के फॉर्म में, ठीक है, पैकेट्स के फॉर्म में, पैकेट ऑफ एनर्जी। तो इन्होंने क्या बताया था, पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है, पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में रहेंगे। और इसी पैकेट ऑफ एनर्जी को इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने नाम दिया था क्वांटा। क्या नाम दिया था बच्चों, क्वांटा। ठीक है, तो इसको क्या बताया था इन्होंने, ये बोला कि ये है क्वांटा। ठीक है, तो क्वांटा से रिलेटेड है, यानी पैकेट ऑफ एनर्जी है, इसको क्वांटा कहा। और यही क्वांटा अगर हम लाइट के टर्म्स में बात करते हैं, किसके टर्म्स में, लाइट के कंसिडरेशन में कहेंगे, तो पैकेट ऑफ एनर्जी इन द केस ऑफ लाइट, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसी को हम नाम देते हैं फोटॉन्स। क्या नाम देते हैं, फोटॉन्स, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ये क्या करेंगे, रेडिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो इन्होंने रिलेशन दिया वो क्या दिया, इन्होंने बोला कि जो एनर्जी है वो क्या है, पैकेट्स के फॉर्म में, तो वो क्या होंगी आपकी, एच न्यू के बराबर है। ठीक है, उन्होंने कहा एच न्यू के बराबर है, जहाँ पे ई जो है वो एनर्जी है, और आपका एच जो है वो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, और जो न्यू है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दी वेव लेंथ है। ठीक है, इससे एक और बात इन्होंने कहा कि जो भी आपका यहाँ पे पैकेट ऑफ एनर्जी है वो क्या है, वो इंटीग्रल मल्टीपल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ई जो होगा वो होगा एन एच न्यू, यानी ये जो वैल्यू आएगी एनर्जी की, पैकेट की वैल्यू, वो कभी भी क्या होगी, होल नंबर होगी। एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू जो होगी वो 1, 2, 3 एंड सो ऑन होगी, कभी भी ये फ्रैक्शनल या डेसिमल में नहीं आएगा। ठीक है, क्या बोला इन्होंने, ये होल नंबर के फॉर्म में, यानी एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ऐसे ही वेरी करेगी। ठीक है, ये कुछ पॉइंट में आपका नहीं आएगा। तो क्या था पैंक क्वांटम नंबर, ये भी आपके पार्टिकल नेचर को सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, तो एच ई बराबर क्या था, एच न्यू, और न्यू का वैल्यू आपको पता है कि न्यू, अगर आपको पता है कि न्यू क्या है, न्यू बराबर आप क्या लिखते हो, न्यू बराबर आपका क्या हो जाएगा, सी लैम्डा। ठीक है, तो न्यू बराबर सी लैम्डा, यानी कि और ऐसे भी समझ सकते हो, सी बराबर क्या होता है, न्यू लैम्डा होता है, तो न्यू जो हो जाएगा वो सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा। तो वही वैल्यू आप अगर सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये क्या हो जाएगा, एन एच, और ये क्या हो गया, सी अपॉन लैम्डा। तो ये रिलेशन भी आप यहाँ से आसानी से रिलेट कर सकते हो, जिसमें एनर्जी को इन्होंने स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा से रिलेट किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, और जिसकी वैल्यू क्या है, 6.63 × 10⁻³⁴ J/s। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लैंक कांस्टेंट। ई क्या है, एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स, या क्वांटम की बात जो की थी, क्वांटम, और क्वांटम का मतलब क्या हो जाएगा, आपका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी एमिटेड, और
एन जो है ये नंबर ऑफ क्वांटम पार्टिकल्स, ठीक है, जिसमें आपका क्या टोटल एनर्जी अगर आप बात करते हो एन पार्टिकल्स का, तो वो क्या हो जाएगा ई टी या ई एन से इसको रिप्रेजेंट आप कर सकते हो। तो ये था प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी, अगेन आपको यहाँ पे समझना ज़रूरी था क्योंकि ये ब्लैक बॉडी से इन्होंने इसको रिलेट किया था और बताया था, ठीक है। अब आते हैं मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट जो था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। नाम से ही आपको सीखना है कि फोटो यानी कि लाइट की हेल्प से क्या है इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या था, इसमें क्या था, ये बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट था जिसमें आपका किया गया था कि जब आपका कोई भी लैम्डा का कोई भी बीम ऑफ लाइट आपका क्या है इंसिडेंट होता है किसी भी फ्रिक्वेंसी का, ठीक है। तो इसमें क्या है, इट इज़ अ फिनोमिना इन विच बीम ऑफ लाइट ऑफ अ सर्टेन फ्रिक्वेंसी, अगर आप कोई लाइट इंसिडेंट करवा रहे हो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से, तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ इसकी फ्रिक्वेंसी होगी, और वो अगर फॉल करेगी किसी भी मेटल के सरफेस में तो वहाँ से क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे इजेक्ट होंगे। तो इसका मतलब क्या समझे बच्चे कि अगर कोई आपकी इंसिडेंट रे है, ठीक है, तो वो क्या करेगी जो आपके मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या करेगी इजेक्ट करेगी, ठीक है, क्या करेगी इजेक्ट करेगी। और आपको पता है जैसे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे वो मूव करेंगे तो क्या होगा करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसको अभी हम और अच्छे से समझेंगे, डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें आपने क्या समझा कि इस फिनोमेना को ही हमने क्या कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जाना, ठीक है। तो ये जो है ये जो लाइट पड़ रही है ये कुछ ना कुछ काम कर रही है जिसके थ्रू आपका इलेक्ट्रॉन क्या है निकल रहा है। तो दो चीज़ आपने समझी क्या कि यहाँ पे क्या है आपकी लाइट तो आ रही है और वो क्या कर रही है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रही है यानी कुछ ना कुछ वर्क कर रही है यानी वर्क फंक्शन यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट आ गया वी डब्ल्यू नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे तो वो मूव करेंगे, तो अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके साथ एसोसिएटेड क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी उसके साथ क्या करेगी काम करेगी, ठीक है। तो इसलिए अब हम देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक में कैसे रिलेशन आपको काइनेटिक एनर्जी से रिलेट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है W नॉट बराबर क्या है एच न्यू नॉट, ठीक है, यानी वर्क फंक्शन जिसके थ्रू यानी ये V नॉट न्यू नॉट जो है यहाँ पे वो ये बता रहा है कि पर्टिकुलर किसी भी मेटल पे अगर कोई लाइट है तो पर्टिकुलर उसका कोई ना कोई थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होगा, थ्रेशोल्ड यानी कम से कम मिनिमम इतनी एनर्जी तो चाहिए कि वो उसको वहाँ पे जब हिट करेगा तब वो आगे बढ़ेगा। ये वैसा ही है कि जैसे कि अगर आपसे हमें कुछ काम कराना है तो हम लोग या मम्मी लोग हमें क्या देती है बोनस कहती है ना कि बच्चे अगर तुम ये करोगे तो हम ये तुम्हें देंगे या फिर हम ये दे रहे हैं तुम ये कर लो, तो आप क्या करते हो आपको मतलब खुशी मिल जाती है। तो वैसे ही आपको क्या मिनिमम आपको वो फ्रिक्वेंसी चाहिए जिसके थ्रू आप इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हो यहाँ से इजेक्ट कर सकते हो, तो इसके लिए आपको क्या है वो फ्रिक्वेंसी चाहिए। तो इसी को हमने क्या कहा है थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेंसी यानी मिनिमम फ्रिक्वेंसी फॉर द रेडिएशन, मिनिमम फ्रिक्वेंसी जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हो इजेक्ट कर सकते हो। और वर्क फंक्शन यानी डब्ल्यू नॉट जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, कम से कम मिनिमम इतना चाहिए तभी वो चीज़ क्या है ये प्रोसेस जो है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे ये काम बन जाएगा, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या पड़ा कि आपने ये वेव्स को इंसिडेंट करवाया तो वो क्या होगी वो कुछ ना कुछ वर्क करेगी वर्क फंक्शन करेगी, और साथ ही साथ क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा वो काइनेटिक एनर्जी से एसोसिएट करो। तो यहाँ पे क्या है ये आपकी लाइट यानी फोटॉन्स है ये मेटल प्लेट पे निकल रही है और ये क्या कर रही है इजेक्ट कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं ये आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा रहता है जो इसको डिटेक्ट कर लेता है और आपका करंट का क्या होता है फ्लो होता है। तो आप क्या कह सकते हो जो एनर्जी है वो क्या है काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन में यहाँ पे काम हो रही है। तो ई जो है ये आपका अगर आप इसको डिराइव करोगे तो ई बराबर आपका जो हो गया ये हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन, अभी हमने देखा क्या है उसको हमने डिफाइन किया था एच न्यू नॉट। दूसरा जो आपका ई है यहाँ पे एनर्जी जो है ये अगर हम प्लैंक्स कॉन्स्टेंट से देखेंगे तो इसको ही अभी हमने सीखा कि ये कैसे रिलेटेड है क्वांटा यानी फोटॉन से रिलेटेड है, तो ये जो इंसिडेंट लाइट है वो उसका क्या हो जाएगा एनर्जी एच न्यू हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालते हो तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी वो बराबर हो जाएगी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको पता है वो क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगी हाफ एम
वी, यानी वी जिस वेलोसिटी से आपकी यहाँ पे लाइट ट्रैवल कर रही है वो जाएगी, और यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से आप कॉमन ले लोगे एच। तो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट को अगर आप यहाँ से कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा क्या आपके पास, न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो है ये काइनेटिक एनर्जी वर्क फंक्शन का, ये आपको यहाँ से मिल जाता है इन दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, जहाँ पे ये जो काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड, कितनी काइनेटिक एनर्जी लगी है इजेक्शन में ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो आप यहाँ से इसको निकाल सकते हो। बाकी आपका न्यू जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, क्योंकि यहाँ पे हमने लाइट की बात की तो यहाँ पे फोटोन के फॉर्म में है, और न्यू नॉट जो है ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए किसी भी मेटल प्लेट से उसके इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालने के लिए। ठीक है, तो आज हमने बात की है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, और हमने समझा है कि कैसे ये रिलेटेड है आपके, ये भी जो एक्सपेरिमेंट था ये भी आपका ब्लैक बॉडी हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें जो है पार्टिकल नेचर को गवर्न कर रही थी। ठीक है, अब हमें समझना है कि स्पेक्ट्रम तो हमने जान लिया, पर ये स्पेक्ट्रम में कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा रेनबो, देखा होगा जब बारिश होती है तो फिर बाद में जब धूप निकलती है तो आपने देखा होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से आपको रेनबो दिखता है। तो वो जो रेनबो का पैटर्न होता है वो क्या होता है, उसमें आपको यही सात कलर दिखते हैं जो क्या है, विब गायोर। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येल्लो, ऑरेंज और रेड कलर, यही आपको दिखता है। जब ये पैटर्न जो होते हैं कंटिन्यूस होते हैं, कंटिन्यूस का मतलब कोई भी कलर गायब नहीं होता है, तो इस तरह के पैटर्न को, इस तरह के स्पेक्ट्रम को, बैंड ऑफ एनर्जी को आप क्या कहते हो, कंटिन्यूस कहते हो। तो क्या होता है, व्हेन वी पास अ बीम ऑफ सनलाइट थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म से अगर आप पास करते हो तो आपको अ वाइड रेंज ऑफ कलर यानी विजिबल रेंज में जो आपके कलर्स आते हैं वही आपको दिखते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, आप यूवी रेज को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि वो आपके विजिबल रेंज में आते ही नहीं, तो विजिबल रेंज में आने चाहिए उनको आप देख सकते हो, कहाँ से, वायलेट से लेकर रेड तक, जिसको आप विब गायोर के नाम से जानते हो, इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने आपको कंपेयर करके बताया रेनबो जो आपने देखा होगा, तो दिस इज कॉल्ड अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट वेरिस कंटिन्यूसली, दैट इज विदाउट एनी ब्रेक, कोई भी यहाँ पे आपको ब्रेक नहीं मिलता है, सब क्या होती हैं आपस में कनेक्टेड रहती हैं, कोई भी आप कह सकते हो कि कलर यहाँ पे गायब नहीं होते, सातों के साथ जो कलर हैं वो आपको एक पैटर्न में दिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है कि अगर यहाँ से आपने सनलाइट भेजी है और प्रिज्म में वो रिफ्लेक्ट होके आपको ये कलर्स आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रेड जो होता है वो सबसे कम बेंड होता है, और सबसे ज़्यादा जो बेंड होता है वो है आपका वायलेट। ठीक है, वायलेट की सबसे कम वेवलेंथ होती है और रेड की क्या होती है, सबसे मैक्स होती है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, तो इस तरह के पैटर्न जहाँ पे सारे कलर आपके मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज अगर हम बात करते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रा क्या है, तो लाइन स्पेक्ट्रा में क्या है, नाम से आप समझिए इसको कि लाइन स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है, कि आपको जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है वो जो विजिबल लाइट आपको दिख रही है वो लाइन के फॉर्म में मिल रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे अगर हम आसान लैंग्वेज में बात करें तो अभी हमने देखा था कि कंटिन्यूस है अगर, ठीक है, तो आपने लाइट यहाँ से भेजी तो अगर कंटिन्यूस है वो, तो कंटिन्यूस है तो आपको क्या दिखेगा कि लाइट यहाँ से मूव हुई और यहाँ पे आपको क्या है, आपको सारे लाइट्स आपको दिख रहे हैं, यानी कि विब गायोर यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, आपको ये सारी, आपको सारी लाइट की बैंड से वो क्लियरली विजिबल है, बट अगर हम लाइन की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें ये हो जाएगा कि आपके कुछ लाइट्स जो हैं वो क्या हैं, गायब हैं। सिंपल सा अगर आप समझोगे तो ये है कि आपके क्या है, कुछ ही आपको बैंड ऑफ एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है, या फिर कहोगे कि आपको क्या है, एक पर्टिकुलर लाइन आपको दिख रहा है। तो इससे आपने क्या समझा, कंपाउंड्स ऑफ सोडियम अगर हम बात करते हैं तो देखिए सोडियम जो है वो क्या है, ब्राइट येलो कलर दिखाएगा। ठीक है, तो क्या वो सारे कलर क्यों नहीं दिखा रहा है, वो क्या है, लाइन स्पेक्ट्रा दिखा रहा है, क्योंकि वो जो जिस चीज़ को रेडिएट कर सकता है वही आपको वेवलेंथ आपको यहाँ पे दिखेगी। तो जो अगर हम सोडियम की बात करें तो वो येलो कलर दिखाएगा। ठीक है, कॉपर की बात करें तो वो क्या, ग्रीनिश ब्लू कलर का फ्लेम देगा। अगर हम स्ट्रॉन्शियम की बात करें तो वो क्रिम्सन रेड कलर का देगा। तो इफ़ वी पास सच अ लाइट थ्रू अ प्रिज्म,
इट गेट सेपरेटेड इंटू सेट ऑफ लाइन, दिस इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा। तो लाइन स्पेक्ट्रा आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा है कि अगर वाइट लाइट है तो आपको कुछ लाइन्स के फॉर्म में आपको यहाँ पे बैंड्स ऑफ एनर्जी दिखेगा, यानी विजिबल लाइट दिखेगा। तो इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तब आप इसको क्या कहते हो, लाइन स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हो। ठीक है, तो आज हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा क्या होता है उसकी पूरी कहानी जानी, फिर हमने देखा कि कैसे हमें पार्टिकल नेचर बताने वाले दो थ्योरी, यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरा क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो हेल्प किया था यहाँ पे, और लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है ये सब हमने आज जाना। तो आज के लिए बस इतना है, आज हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप आपने जो भी चीज़ यहाँ पे बताई गई है उसको अपने नोट भी किया होगा, साथ ही साथ इसको रिवाइज भी करोगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको और अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू NIS तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, टेक केयर, बाय बाय।